अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाक सेलिब्रिटीज़ न्यूज़। वीवर्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपनी नई वीडियो की जानिब। वीवर्स, आजकल जहां पर बुरी खबरें आ रही हैं वहीं पर एक अच्छी खबर है। आज हम आपके साथ जो खबर शेयर कर रहे हैं वो है निमरा खान के निकाह की। जी हाँ, खूबसूरत 28 साल निमरा खान, जिन्होंने अपने करियर का आगाज पीटीवी के ड्रामे ख्वाब तामीर से किया और फिर देखते ही देखते उन्होंने बेशुमार ड्रामों में काम किया। इसी दौरान उनका शदीद एक्सीडेंट हुआ और जिसकी वजह से वो काफ़ी अरसा स्क्रीन से गायब रही और ठीक होने के बाद उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया। खूबसूरत अदाकारा अपने एक्सीडेंट वाले दौर को याद करते हुए कहती है कि वो वक्त बहुत बुरा था, मैं एक तरह से पैरालाइज, लेकिन अल्लाह के करम से अल्लाह ने मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दी। इंडस्ट्री को दोबारा ज्वाइन किया। आज इंस्टाग्राम पर उनकी पिक्चर देखकर दंग रह गए। उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने निकाह की तस्वीर जारी कर दी जिसमें वो दोनों खुश दिखाई दे रहे थे। ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें हमेशा खुश रखे। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि निमरा के हस्बैंड उनसे काफी बड़े हैं। निमरा खान की एज 28 साल है। जी हाँ, उनकी खूबसूरती की वजह से उनकी एज उनकी शक्ल पे नहीं दिखती। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि ये पिक्चर्स पुरानी है क्योंकि निमरा खान का हेयर स्टाइल अभी शॉर्ट हेयर्स चल रहा है और उन्होंने जो पिक्चर्स डाली है उसमें लॉन्ग हेयर्स हैं। लेकिन खैर, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे और आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको निमरा खान और इफ्तिखार की जोड़ी कैसी लगी। और निमरा खान, बहुत से लोगों का ये भी सवाल है कि क्या निमरा खान भी ऐमन खान बाकी अदाकारों की तरह शादी के बाद अब शोबिज को छोड़ देंगी। अभी तक ये स्टेटमेंट निमरा खान का नहीं आया है। आप हमें ये भी बताएं कि निमरा खान के जोड़ी आपको कैसी लगी और आप लोग क्या कहते हैं इस जोड़ी के बारे में। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।